अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। न्यू लिस्टिंग कॉइन जिसका नाम कैस्पर है, CSPR न्यू लिस्ट होने वाला है कोकॉइन एक्सचेंज के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ कि किस किस एक्सचेंजेस के अंदर ये ऑलरेडी लिस्टेड है, कहाँ से अगर आपने बाय करना है तो कहाँ से बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग इसकी कब ओपन होगी कोकॉइन के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, उसके बाद डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ वगैरह कैसे करना है, उसके अलावा अगर एडवांस में बाय करना चाहते हैं तो किस एक्सचेंज से हम इसको बाय कर सकते हैं, एनालिसिस इसकी कर लेंगे, प्राइस की प्रेडिक्शन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूं कि इसकी ट्रेडिंग कब ओपन होगी। तो इसकी ट्रेडिंग जो हमारे पास ओपन होगी वो 29 जून को 10 में अपने 5000 कर लेना, 3 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 29 जून को इसकी ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी। विड्रॉ जो है वो अभी आप कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ कि किस एक्सचेंज से आपने इसको बाय करना है, अगर आपने इसको बाय करना है तो कैसे बाय करना है। उसके अलावा इसका जो विड्रॉ है वो भी उस 30 तारीख को जो है आप इसका विड्रॉ निकाल सकते हैं, उससे पहले इसका विड्रॉ नहीं होगा। लेकिन उससे नीचे आपको इसकी टोटल मार्केट कैप, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आपने आ जाना है सिंपल कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, आपने गूगल को आपने आ जाना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, जहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट की रैंक की बात करें तो 145 नंबर पर इसका रैंक आता है। अभी करंट प्राइस जो 0.0338 है, 10% इसके अंदर आपको पंप देख रहा हूँ मेरा। 24 आवर्स के अंदर जो है इसके लो भी आपको नज़र आ जाएगा, हाई भी नज़र आ गया। उसके बाद नीचे आ जाए मार्केट्स के ऊपर, आपको बता देता हूँ कि किस किस एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टेड है। तो मार्केट के ऊपर ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं ये सभी के अंदर ये लिस्ट है, जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ये मैक्सी ग्लोबल के ऊपर भी लिस्ट है, gear.io के ऊपर भी लिस्ट है, और OKX एक्सचेंज के अंदर के ऊपर भी लिस्ट है। अगर इन तीनों में से आपका किसी भी एक्सचेंज के अंदर अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको इजीली वहां पर बाय कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कोकॉइन एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर आपने एंट्री लगानी है तो आप एंट्री लगा सकते हैं। इसके अंदर मेरा काम था आपको एजुकेट करना, वो मैं आपको एजुकेट कर देता हूँ। तो इसको मैक्सी ग्लोबल के ऊपर आपने एंट्री लगाने के लिए सिंपल मैक्सी ग्लोबल के ऊपर ही हम इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको बता देता हूँ अगर बाय करना है तो आप कैसे इसको उस पर बाय कर सकते हैं। अभी ये मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर ओपन हो गया। इसका ट्रेडिंग पेयर जो है हमारे पास वो USDT के साथ में देखने को मिल रहा है। तो मैक्सी ग्लोबल के अंदर ओपन हो गया, इसकी प्राइस जो मैक्सी ग्लोबल के अंदर है वो 11% ऑलमोस्ट 12% पंप है। 4 आवर का टाइम फ्रेम है जिसके अंदर एक लंबी कैंडल आपके पास बनी हुई है। अगर आपने एंट्री लगानी है तो आप इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लगा सकते हैं। इसके अंदर इस लंबी कैंडल का आपने वेट करना है, जब ये नीचे आ जाएगा तो इस पॉइंट के अंदर आपने आकर एंट्री लगा लेनी है, अगर आपने एंट्री लगानी है बाय करना है। क्योंकि जब एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होगा तो प्राइस के अंदर हाइप होगा, उस हाइप के अंदर अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जिस तरह पिछले वीडियो के अंदर आपको प्रूफ भी देता रहा हूँ कि लिस्ट होता है तो कोई उसमें से प्रॉफिट होता है। तो इस तरह आप इसको यूज़ करते हुए मैक्सी ग्लोबल को उसको बाय कर सकते हैं। नीचे बाय का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, फंड वगैरह डिपॉजिट है, तो आप इसको ईजिली वहाँ से बाय कर सकते हैं यहाँ से, और इसका विड्रॉ लगा कर कोकॉइन एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि इसका डिपॉजिट या कोकॉइन के ऊपर इमीडिएटली ओपन है, अभी आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। अपने सिंपल इसके एसर वाले आइकन के ऊपर जाना है और वहाँ से इसका जो डिपॉजिट एड्रेस है वो कॉपी कर लेना है, और इसके अंदर आपने जो है उधर ले जाकर मैक्सी ग्लोबल करो पेस्ट कर देना, तो आपका वहाँ से विड्रॉ लग जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस है इसके अंदर एंट्री लगाने का। एडवांस में कोई कोई अगर लिस्ट होता है तो उसको कैसे बाय करना है। अगर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।